पत्नियां टांग ही नहीं तोड़ती, वो तुम्हारी आत्मा तोड़ देती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री बुक, जो कि एपी सर के द्वारा लिखी गई है, उसके एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है स्त्री और पत्नी। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, दो वक्तव्य हैं ओशो के, दोनों कैसे समझें, उनको अगल बगल रखते हैं तो कुछ सूझता नहीं। पहला वक्तव्य है, स्त्री ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, और दूसरा वक्तव्य है, पत्नियां टांग ही नहीं तोड़ती, वो तुम्हारी आत्मा ही तोड़ देती हैं। तो उत्तर है इसका, मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, काश की टांग ही तोड़ दी होती। क्यों उलझ रहे हो, परेशानी क्या है आपको? पहली बात कही गई है स्त्री के बारे में, और दूसरी बार बात जो है वो कही गई है पत्नी के बारे में। पत्नी स्त्री थोड़े ही होती है, अरे वो पत्नी होती है। किसी भी पति से पूछना कि आपकी जो पत्नी है वो सिर्फ स्त्री दिखती है, वो पत्नी होती है, तो पति कहेगा अगर पत्नी में स्त्री दिखती तो प्रेम भी उठता। अब मैं हूँ पति और वो है पत्नी, पुरुष और स्त्री तो बचे ही नहीं, तो प्रेम का क्या सवाल है? स्त्री जो होती है वो निश्चित रूप से ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। आध्यात्मिक मूलों में जो सर्वोपरि मूल्य है वो होता है समर्पण। सत्य, आनंद, सरलता, मुक्ति, प्रेम, ये तो सब फल होते हैं, ये तो अपने आप आते हैं। जीव को जो अपनी ओर से करना होता है या जो हो जाने की सहमति देनी होती है, उसका नाम है समर्पण। समर्पण हो गया तो फिर सत्य दूर कहाँ है? समर्पण हो गया तो फिर आनंद और मुक्ति दूर कहाँ है? असली कठिनाई और असली परीक्षा तो इसी में होती है कि छोड़ पाओ खुद को, समर्पित कर पाओ खुद को। वह काम स्त्री के लिए पुरुष से कहीं ज़्यादा सुगम होता है, इसीलिए स्त्री को बड़ी लंबी चौड़ी विधियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप से वो कुछ ऐसी रची गई है कि उसके लिए आसान है छोड़ पाना, इसीलिए स्त्रियां आमतौर पर महत्वाकांक्षी कम होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां स्त्रियों ने नहीं लड़ी हैं, वो थोड़े में ही देखती हैं। देखोगे आप कि थोड़ी सी खुशी मिली, थोड़ी सी कोई बात हुई, उसी में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती हैं। घर है, सजा लिया उसको, खुश हो गई। बड़े बड़े राज्य नहीं चाहिए। कभी सुना है कि कहीं पे स्त्रियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हों? बड़ी मुश्किल हो गई है कल्पना कि सिकंदर कोई स्त्री है और वह जीतने निकली है, जितनी जमीन है सब मेरी होनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल है ऐसा। स्त्री को जो दिक्कत आती है वो आखिरी कदम पर आती है। दिक्कत उसे ये आती है कि उसे झुक तो जाना है, प्रेम तो वो देने को राजी होती है, लेकिन चूंकि उसने सब त्यागा है किसके लिए? समर्पण के लिए। उसके लिए आसान रहता है समर्पण करना, छोड़ना उसके लिए आसान रहा है, त्याग उसके लिए आसान रहा है। तो चूंकि उसने सब कुछ छोड़ा है किसी के लिए, इसलिए जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा है वो उसी को पकड़ने के लिए बड़ी तत्पर रहती है। तो भक्ति करेगी अगर कान्हा के लिए, तो सब कुछ छोड़ देगी कान्हा के लिए, लेकिन कान्हा को ही पकड़ लेगी। इसीलिए कान्हा अब परेशान कह रहे हैं, ये तो सोचा ही नहीं था कि मुझे ही पकड़ लेंगी।
गुरु जी के पास जाएंगे। गुरु जी ने सिखाया, देख सब मोह माया है, सब छोड़ दे। समझ जाएंगी सब मोह माया है और छोड़ देंगी। उसको बहुत निवेश नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए छोड़ना अपेक्षाकृत आसान है। सब मोह माया है, सब छोड़ दिया, लेकिन देखिए गुरु जी, आप ही ने सिखाया था कि सब मोह माया है, तो आपको कैसे छोड़ दूं? लेकिन फिर भी इससे इतना तो है ही कि अड़चन उसकी अंत में आएगी। वह पकड़ेगी भी किसी को तो अपनी ओर प्रेमवश पकड़ेगी, एक तो पकड़ेगी, बाकी को छोड़ना उसके लिए सहज होगा, लेकिन एक को पकड़ लेगी। पुरुषों की अपेक्षा ये उच्चतर बात है, क्योंकि पुरुष को तो सब कुछ चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्यों कह रहे हैं कि पत्नियां टांग ही नहीं तोड़ती, आत्मा तोड़ देती हैं। तो देखिए, ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, ये है ही कुछ इस तरीके का कि इनको आत्मा तोड़ देती है। लेकिन वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो पति होते हैं वो भी आत्मा तोड़ देते हैं पत्नी की। कोई किरदार, कोई रूप, कोई रोल तुम्हारा वास्तविक हो नहीं सकता। जब तुम्हें बांध ही दिया गया है किसी बंधन में, उस किरदार में, तो तुम्हारे सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं। अब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की आत्मा को तोड़ देते हैं। आत्मा को तोड़ने से क्या आशय है? आत्मा तो कोई टूटने वाली चीज नहीं। आत्मा को तोड़ने से अर्थ है मन को आत्मा से तोड़ देते हैं, मन को आत्मा से अलग कर दिया जाता है, मन को शांत नहीं रहने देते। बस दो लोग लगातार जीवन में एक दूसरे से अपने अपने किरदारों में रहकर बात करते रहते हैं। यह बात बड़ी दम घोटू है। आप इंसान की तरह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। आपको लगातार याद है कि इससे मेरा रिश्ता क्या है, सांस घुट जाए, आपको दिखाई ही नहीं देगा कि आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो आत्मा है, वो समझता है, वो मुक्त है, वो वास्तव में। आप उसको एक ही नज़र से देख पाओगे। ये मेरा क्या लगता है, ये आप देख ही नहीं पा रहे हो कि वो है कौन, क्योंकि आप उसे देख रहे हो किस लिए, अहंकार से। इसलिए आपके लिए अब जरूरी है कि वो भी बना रहे अपने अहंकार में। आग आग से मिल सकती है, पानी से नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए एपी सर के शिविर में लोग आते हैं, तो आपने देखा होगा अगर पत्नियां अकेली आती हैं और वो शांत रहने लग जाएं तो पतियों को ये बात बड़ी खटकने लगती है, और अगर पति अकेले आए वो शांत रहने लग जाएं तो पत्नियों को बात खटकने लगती है, तो वो उनका पतियों का जाना बंद करा देंगी। और अगर दोनों ही साथ में आ रहे हैं, उनमें से एक की समझ में बात आई लेकिन दूसरे की समझ में बातें कुछ ज़्यादा आ गई, वो ज़्यादा झुका जा रहा है सच्चाई की तरफ, उसकी प्यास जो है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है सच्चाई को जानने के लिए, तो दूसरा कहेगा उसको, दूसरे वाले को जो नहीं समझ पा रहा है लेकिन वो दूसरी समझ रही है, तो उसको जो नहीं समझ पा रहा है, कम समझ रहा है, उसको ईर्ष्या होने लगेगी, तो वो क्या करेगा, वो उससे नाता तोड़ने को ही तैयार हो जाएगा। अब बोलेगा अब तो मैं ढूंढूंगा अपने ही जैसी, वो नाता तोड़ के कहेगा उससे इस तरीके से। वो ये नहीं कहेगा कि सामने वाला अगर आत्मस्थ हो रहा है तो मैं भी इसके पीछे चलूं और मैं भी आत्मस्थ हो जाऊं, नहीं, उसकी उल्टी चाल चलेगा। वो कहेगा अब मैं भी ढूंढूंगा अपने जैसी, यानी कि उसकी दुर्बुद्धि देखिए, अंधे को अंधा चाहिए। अब माताएं आती हैं और कहती हैं हमारे बच्चे कैसी गंदी किताब पढ़ रहे हैं, उपनिषद, इनका जरूर कुछ अहित होने वाला है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, कॉलेज के कॉलेज खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे आपके पास आने लगे, ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, तुम्हारे जो बाकी के शिक्षक हैं उनसे छात्र नफरत करते हैं, उनके पास नहीं जाते, ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमारे पास आ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। सब लोग लगे हुए हैं एक दूसरे की आत्मा को तोड़ने में, उसकी आत्मा से दूर करने में। हमारे लिए इससे ज्यादा चिढ़ की कोई और बात हो ही नहीं सकती।
किसी को आत्मा की तरफ जाते देख लें, किसी को मुक्त होते देख लें, ऐसी आग उठती है हमारे मन में, हम कहते हैं हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया। कोई दूसरा आजाद होता हुआ क्यों जा रहा है, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, तुम्हें बड़ी ईर्ष्या उठेगी। तुम कहोगे हम तो फंसे ही रह गए, ये बड़ा उड़ा जा रहा है, ये कुरबुद्धि, ये दुर्बुद्धि, दूसरे को उड़ता देखो तो उसका अनुगमन करना, उससे मित्रता करना, उसकी सलाह लेना, उसको शिष्यता करना, उसकी ईर्ष्या मत करना। अगर कोई मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है तो आपको तो उसका अनुकरण करना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे ईर्ष्या करनी चाहिए, ना कि वैसा ही करना चाहिए कि हमें समझ नहीं है तो हम उसका साथ ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था आज के स्त्री बुक की रीडिंग का टॉपिक। अगर आपको भी ये बुक चाहिए, ये बुक परचेज करनी है, स्त्री बुक जिसमें बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक्स को क्लियर किया गया है, एपी सर के द्वारा काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें स्त्रियों के बारे में वो कैसे मुक्त रह सकती हैं, कैसे अपने घर गृहस्थी के साथ में वो अपनी जॉब को भी संभाल सकती हैं, और चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि आप आत्मा को कैसे समझ सकती हैं, कैसे एक दूसरे को बंधनों से मुक्त रख सकते हैं साथ में रहकर भी। तो ये जो बुक है, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।